चालू। हाँ देखो इधर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट है आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, आर्किमिडीज के गुण, ठीक है। ये कह रहा है यदि x तथा y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है जो कि nx is greater than y है। यानी कह रहा है x और y दो क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो तो एक इंटीजर ऐसा पॉसिबल होगा व्हेन nx is greater than y हो। तो थ्योरम को लेते हैं, अगर हम इसको पहले लेट करते हैं फॉल्स या असत्य, तो ये कह रहा है nx less than equal to y जब n belongs to क्या है, नेचुरल नंबर। अगर एक सेट हमारे पास एक है और एक समुच्चय s equal to x, 2x, 3x, nx और n plus 1 जो कि सबसेट किसका है, रियल नंबर का, जो कि बाउंडेड है, परिबद्ध है। इसका अपर बाउंडेड, ऊपरी परिबंध क्या है, y है। ऊपरी परिबंध क्या है इसका, y। तो s subset of R, यानी s subset R का मतलब हो गया ऊपरी परिबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी s का उच्चक मान k विद्यमान है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो s का क्या है, अपर बाउंडेड है। सेकंड ये कह रहा है nx is less than equal to k, then n plus 1x is less than equal to k। तो nx is less than equal to k minus x, क्योंकि ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, तो k minus x k से कम है, जो s का क्या है, ऊपरी परिबंध, जो इसके अपोजिट है, विपरीत है, विपरीत है, तो हम कह सकते हैं nx is less than equal to y implies nx is greater than y। समझ गए बात को। हाँ देखो इधर आर्किमिडीज क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, आर्किमिडीज क्रमिक क्षेत्र यानी कार्टेशियन एरिया क्या होता है, जो उसके प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, उसके गुणधर्मों को संतुष्ट करे, गुणधर्म यानी जो उनके थ्योरम हमने पढ़े हैं वो। सेकेंड ये कह रहा है बिटवीन्स थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि बिटवीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, किसी वास्तविक संख्या के लिए, किसी रियल नंबर के लिए केवल एक और एक ही इंटीजर एन पूर्णांक विद्यमान होगा। समझ गए बात को। ये कह रहा है एन माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन, इसका मतलब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू जो वो एन से तो क्या है, कम है, और एन माइनस वन से बड़ी और उसके बराबर है। एन इन द बिलोंग्स क्या करता है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रकृति संख्या इंटीजर, ठीक है। तो हम लेफ्ट करते हैं कि x is greater than equal to 0, s एक अरित समुच्चय उपसमुच्चय हमारे पास में, m belongs to n, n greater than x, हम कहते हैं 1 is greater than 0, और m belongs to हमने कह रखा है क्या है, natural number है, 1 greater than 0 है तो m point 1 यानी एक point बड़ा है, वो भी x से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि x always greater than equal to क्या है, 0 है, जहां s R का अरित उपसमुच्चय है, अरित subset है। मान लीजिए एक न्यूनतम संख्या जो x से क्या है, बड़ी है, और उसको हमने n लेट कर लिया है, यदि n इक्वल टू 1 हो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जो n से कम होगी। समझ में आ गई बात ये, और x से बड़ी न्यूनतम संख्या n ही है, अतः n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन n। तो हम क्या कहेंगे कि x लेस देन 0 देन माइनस x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस x लेस देन n implies minus n less than x and less than equal to minus n plus 1। ये एक sequence है, ध्यान रखना, इस sequence को हमें दिमाग में बिठाना है। If x equal to minus n plus 1 then minus n plus 1 is equal to x, और x की value क्या होगी, minus n plus 2 से छोटी होगी, अगर 2 करे 2 की जगह 3 कर ले 4 कर ले, तो condition ये की ही रहेगी, तो m is equal to minus n या minus n plus 1, तो एक ऐसा integer होगा जो इस condition को represent करेगा। इस कंडीशन यानी m less than equal to x less than m plus 1 या n minus 1 less than equal to x less than 1। हाँ देखो इधर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसेंस प्रॉपर्टी, सघनता प्रगुण, ये भी रियल नंबर की ही प्रॉपर्टी है, इसको हम रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, रेशनल थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि रेशनल प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ रखी है, टेंथ क्लास में पढ़ रखा है, अगर उस पैटर्न से भी आप करो तो भी गलत नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अनंत परिमेय संख्या है, अनंत अपरिमेय संख्या, तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो, इस पर रिलेटेड दो तीन थ्योरम्स और है छोटी छोटी, उसको पढ़ना, वो भी इसी अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ये कह रहा है ए और बी दो संख्याएं हमने मान ली है, ठीक है, अगर ए लेस देन बी है तो बी माइनस ए ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, एन नेचुरल नंबर है। आर्किमिडीज प्रॉपर्टी यूज ले तो n b माइनस a इज ग्रेटर देन 1, मल्टीप्लाई किया n b n a प्लस 1, एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दी। अगर m कोई क्या हो, यूनिक इंटीजर नंबर हो, अद्वितीय पूर्णांक हो, तो m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n a लेस देन m, यानी m और इसके बीच की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करे तो n b इज ग्रेटर देन n a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और ग्रेटर देन n a, इससे एक सीक्वेंस बन गई हमारे पास में, n से पूरी को डिवाइड कर दो तो m by n, ये जो m by n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को, यानी परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है।
अब इसके बीच में हमारे पास काफी परिमेय संख्या आ सकती है, तो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये हमारी थ्योरम है, समझ गए बात? हाँ देखो इधर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें है लिमिट्स, लिमिट्स कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, इनकी प्रॉपर्टीज है। अब देखो इस फर्स्ट यूनिट में दो चीजें हैं, एक तो थ्योरम्स, थ्योरम से लिमिट छोटे छोटे डेफिनेशन से, सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी पे बनता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन किसी एक क्वेश्चन पे अपनी ग्रिप बना लो, या तो थ्योरम्स को अच्छे ढंग से तैयार कर लो, डेफिनेशन को अच्छे ढंग से तैयार कर लो, ये जो पुराने बेसिस पे डिपेंडेड है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, इन चीजों को तैयार कर लो। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है, क्योंकि हर यूनिट में दो क्वेश्चन आएंगे, किसी एक क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है। ओके।